बड़ी खबर के साथ चरखी दादरी, ऐसे पति पत्नी ने की आत्महत्या, जहर खाकर दोनों ने सुसाइड किया है, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। आपको बता दें अलग अलग जगहों पर मिले दोनों के शव, तो अलग अलग जगहों पर दोनों के शव मिले हैं। गांव समसपुर की एक घटना है, बता दें आपको, तो पहले ये कहा जा रहा था कि संदिग्ध अवस्था में ये शव मिले हैं, लेकिन अब जो जानकारी मिलके आ रही है वो ये कि जहर खाकर आत्महत्या की है दोनों ने। आपको बता दें दंपत्ति का शव ये मिला था और अलग अलग जगहों पर दोनों का शव मिला। गांव समसपुर की एक घटना है, चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर, पति पत्नी ने आत्महत्या की है। प्रदीप दोहन संवाद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, फिलहाल अभी जो जानकारी आ रही है वो ये कि जहर खाकर आत्महत्या की है दंपत्ति ने, कारण पता चल पाए हैं, सुसाइड नोट कुछ मिल पाया है पुलिस को? देखिए अंजलि, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो दादरी जिले का समस्तपुर गांव में है, आज अल सुबह पति पत्नी के यहाँ पे शव मिले हैं। पत्नी का जो शव है, महिला का जो शव है, वो गांव के बाहर एक जोड़ के साथ नग्न अवस्था में मिला है, जबकि जो का पति है 45 वर्षीय राजेश, उसका शव घर के आंगन में मिला है। हालांकि पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची, दोनों शवों को दादरी के सिविल अस्पताल में लाया गया है। पुलिस का ये मानना है कि शायद इनके द्वारा प्रथम जो जांच है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि इनके द्वारा सुसाइड किया गया है, कोई ने शव का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदीप, हालांकि अभी परिवार वालों को इत्तला दे दी गई है और ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे थे, अभी कोई कारण समझ में आ रहा है या परिवार वालों की तरफ से कोई जानकारी मिल पा रही हो, क्या ये दोनों अकेले यहाँ पर रहा करते थे इस घर में? देखिए अंजलि, इसके जो परिवार वालों का ये कहना है कि ये अब घर पर ही थे और अल सुबह यहाँ घूमने की बात कहकर ये घर से निकले थे, और रास्ते में पता नहीं इनका के बीच में कोई झगड़ा हुआ है या फिर और कुछ हुआ है। दोनों के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है और पुलिस द्वारा भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और जांच के बाद ही कुछ ऐसा सामने आएगा, जो भी होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही